नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे SKM सुनील क्लासेस चैनल में। और जो हमारे द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो जिस टाइप के आप क्वेश्चन एग्जाम से मिस करके आते हैं, तो इस क्वेश्चन के मुहिम में हमारे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इफ़ यू वांट्स टू वॉच दीज लेक्चर्स, सो डेफिनेटली यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन फाइंड दीज लेक्चर्स बाय माय प्लेलिस्ट। तो वीडियो की जो प्लेलिस्ट होती है उसके माध्यम से आप मेरे सभी वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। सो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आगे और सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग और मैथ का। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। तो कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय पशु है, ये चीज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का होता है कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का होता है कंगारू, ये बात तो आपको पहले से भी पता रही होगी, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू होता है। और कनाडा, कनाडा का होता है गंजा ईगल, ईगल वहाँ का गंजा होता है। माय फ्रेंड्स, देखें क्या होता है, कनाडा जो है, कनाडा आपको पता ही है कहाँ पे है, जो हमारी USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसके उत्तरी दिशा में है, तो वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है एक्चुअल में। और उधर साइड का जो जो कनाडा पड़ता है, कनाडा के राष्ट्रीय पशु का नाम होता है गंजा ईगल। तो अगर मैं गंजा ईगल डायरेक्टली बोल देता तो हो सकता है आपको याद करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं समझा दिया हूँ क्या प्रॉब्लम्स होती है और किस वैसे रखा गया है राष्ट्रीय पशु का नाम, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। और जापान का होता है, जापान में जो है वहाँ का है आइविस। तो अगर नहीं याद हो रहा है तो आइविस, किल्विस तो आपको याद ही होगा, आप लोग शक्तिमान तो देखे ही होंगे, तो किल्विस। और जापान किसी किल्विस से कम नहीं, आप लोगों को पता होगा उसके पास बहुत ज़्यादा मिसाइल्स और कई सारे हथियार हैं, तो जापान का होता है आइविस। ठीक है, तो जापान के जो राष्ट्रीय पशु का नाम होता है माय फ्रेंड्स, वो है आइविस, आइविस है, आइविस, आइविस। ठीक है, और हम लोग जापान को विश करते भी हैं। न्यूजीलैंड जो होता है, न्यूजीलैंड का होता है कीवी, कीवी होते हैं वो लोग, कीवी, ये बात तो आपको पहले से पता भी रही होगी, और मैच आप लोग देखते होंगे तो वैसे भी उसमें देखते होंगे कि उसमें लिखा बताया जाता है कि कीवियों से आज मैच है और एक कीवी देश के हैं, तो वहाँ के जो राष्ट्रीय पशु का नाम है वो है कीवी, कीवी नाम है, ये है कीवी। ओके, जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय पशु का नाम होता है रॉबिन रेड ब्रेस्ट। सिंपल सी बात है, उन्होंने पूरे देश को गुलाम बना रखा था, वो पूरे देश के राजा हैं, तो उनका कुछ अलग ही रहेगा, तो उनके जो राष्ट्रीय पशु का नाम है वो है रॉबिन रेड ब्रेस्ट, रेड ब्रेस्ट। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेड मतलब खतरा, ब्रेस्ट रेड और ब्रेस्ट, तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट, रेड पूरे देश के लिए खतरा थे वो लोग, तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट। और भारत का तो पता ही है आप लोगों को, बाघ राष्ट्रीय पशु। अभी जो किया जा रहा है हमारी कुछ दोस्तों द्वारा, या कि बोल सकते हैं हमारी देशवासियों द्वारा, कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, बनाया जा सकता है, लेकिन अभी बाघ है, तो राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, और फिर से मैं रिवाइज किए दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा को बोलते हैं गंजा ईगल, वहाँ का ईगल गंजा होता है, जापान, जापान को आइविस, बिल्कुल विश करेंगे माय फ्रेंड्स आइविस, क्योंकि उन्होंने जो हमें बुलेट ट्रेन दी है। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का होता है कीवी, कीवी है वहाँ का कीवी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो रेड है, खतरा है, वहाँ से हमें खतरा रहता था, तो वो है रॉबिन रेड ब्रेस्ट। एंड अनदर इज इंडिया, इंडिया का होता है बाघ। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को SKM सुनील क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप इस चैनल का सपोर्ट करें,
ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अपलोड करता जाऊँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए। सो इफ़ यू डिडेंट सब्सक्राइब माई चैनल एट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू विथ माई ऑल वीडियोज एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल के वीडियोज को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को इन वीडियोज का लाभ मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कंटिन्यू विथ माई चैनल।